खतरा भी महसूस हो रहा है लेकिन ये देखी और यार फुल गए पता लग रहे ये जो दो है ना ये इसके ऊपर पानी फेंक रहे हैं अंधला भाई में और वो पानी से भरने और दोनों के ऊपर अंदर गर्मी वाले व्लॉग के अंदर गर्मी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि भाई व्लॉग गर्म से गर्म होता जा रहा है यार। तुम लोग तो ऊपर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करोगे तो यकीन मानो व्लॉग ठंडा ठंडा हो जाएगा। तुम लोग चाहते हो कि व्लॉग ठंडा हो जाए और उसके लिए तुम लोग बस सिर्फ एक काम करना होगा, सब्सक्राइब करना है, रेड कलर के बटन को बस दबा देना है। यार इतनी हो चुकी है कि यार बाहर हवाएं चल रही हैं और घर में आसपास बड़े बड़े घर होने की वजह से घर में हवा भी नहीं लगती, और लगती है तो गर्मी गर्म गर्म हवा लगती है यार। गाँव में मजा था, हवा लगती थी लेकिन लगती तो सही थी ना, मतलब कोई गर्म हवा नहीं लगती थी। हाँ गर्म लगती थी लेकिन वो बहुत ज्यादा दोपहर को, यहाँ तो सुबह सुबह यार गर्मी होती है। यार करना ये है कि ब्लॉग को ठंडा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर के बटन का यार सब्सक्राइब तो ऐसे करना है कि अपने मोबाइल को उठा के दीवार में मार दो ताकि सब्सक्राइब हो जाए। अगर इस तरह नहीं करना तो यार घर में पानी वाले घड़े पड़े होते हैं पानी के, तो उसको उठा के यार रेड कलर के ऊपर मार दो, वो ठंडे होते हैं। चलो ब्लॉग तो ठंडा हो जाएगा, घड़ा टूट भी जाए तो यार खैर है। ये भी नहीं करना तो यार बस सड़क पे निकल जाओ और जो गाड़ी आ रही है अपना मोबाइल को उसके नीचे दे दो ताकि अच्छी तरह रेड कलर का बटन प्रेस हो जाए। ये क्या बात करता है। ये भी नहीं करना तो यार मोबाइल को नीचे रखो, ऊपर से टांगे मारो, कुछ करो और मोबाइल को नीचे रख के रेड कलर के बटन के ऊपर बैठ जाओ यार, बस कुछ करो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो यार बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन दे दिए हैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप जो तुम लोग को पसंद आता है यहाँ से एक चॉइस कर लो। बकवास को बंद करते हैं और अभी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यार आएगा काम तीन चार करने, एक तो एयर कूलर उठा के लिए हैं सोलर वाला, वो दिया हुआ था तो वो थोड़ा सा ख़राब था तो उसको रिपेयर करवाना था। कल वाला व्लॉग मैंने एडिट करने के लिए छोड़ा हुआ है और वो अभी एडिट हो चुका है लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट हो रहा है और फिर इंशाल्लाह उसको भी अपलोड करेंगे। और भाई कैसा लग रहा है आप व्लॉग पे व्लॉग आ रहे हैं भाई, डेली इंशाल्लाह व्लॉग पे व्लॉग आएंगे और डिफरेंट किस्म के आएंगे। चलते हैं बाजार और देखते हैं एयर कूलर रिपेयर हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो उसको उठा के घर ले आते हैं। एयर कूलर रिपेयर हो गया था और फिर मैंने इसको पीछे बाइक पे ही रख दिया, मैंने चलो बाइक पे ही रख के फिर जा ले जाते हैं, रक्षे वाला बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था तो फिर अभी मिलते हैं उसे लगा जाके। The next day. ये तो गाइस एक दफ़ा फिर मैं गांव आ चुका हूँ और गर्मी आज भी काफ़ी है लेकिन शहर की नस्बत यहाँ पे थोड़े गर्मी की बचत इसलिए होती है, गर्मी होती है यहाँ पे हल्के वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे देख लो खुली जगह है और कोई मतलब क्लोज क्लोज घर नहीं होते, वहाँ पे शहर में क्लोज घर होते हैं तो इसकी वजह से वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे भी अभी हालांकि शहर से ज़्यादा गर्मी है लेकिन हवा चल रही है और हवा की वजह से पता भी नहीं चल रहा कि गर्मी ज़्यादा है या कम है, लेकिन गर्मी है अभी। फिर मैं ट्यूबवेल पर आया हूँ और अभी यहाँ पर नहाते हैं, नहा कर उससे पहले नहाने से पहले आपको वहाँ से विज़िट करवाता हूँ जो मैंने पिछली दफ़ा लगाई थी ज्वार वगैरह, तो वो अलहमदिल्ला
तकरीबन 6-7 दिनों में निकलना स्टार्ट हो गई है, तो चले आए वो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं वहाँ पे आ चुका हूँ जो पिछली बार लगाई थी ज्वार वगैरह। तो ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुकी है, ये भी यहाँ से सब्जा निकला है, ये भी और यहाँ पर भी इन इस जगह और इस जगह अभी तक 6-7 दिनों में काफ़ी निकल आई हैं इंशाल्लाह। ये तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद काफ़ी बड़ी होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी जो ये वाला है और ये वाला, इनके ऊपर क्योंकि खड़ी करके लगाई थी, देख सकते हो ना यहाँ पे सीधे ऊपर खड़ी करके लगी है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ज़मीन के अंदर लगाई थी दबा के, तो जो दबा के अंदर ज़मीन के लगाई थी वो तो फ़ौरन निकलना स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो खड़ी लगाई थी ना सीधा खड़ा करके, वहाँ पे असल में जगह सख्त थी तो नीचे लगा नहीं सकते थे ज़मीन के अंदर ना, तो वहाँ पर अभी तक नहीं निकली, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि पानी लगा रहे हैं वो भी निकलना स्टार्ट हो। सो गाइस सूरज ग़ुरूब होने वाला है और तकरीबन 6:15 का टाइम हो गया, और पहले तुम लोग विज़िट करो सूरज का ये वाला टाइम जो सूरज का ग़ुरूब होने का मंज़र होता है। लोग सिर्फ सूरज का ग़ुरूब होने का मंज़र को देखने के लिए दूर दूर पहाड़ियों पे जाते हैं, तो हमारे गांव में माशाल्लाह नज़र आता है। तो 1-2-3 गो देखो, और तकरीबन ग़ुरूब होने वाला है माशाल्लाह। तो असल में मज़ा होता है यहाँ पे स्टैंड और हो साथ कैमरा, तो बिल्कुल बंदा लगा के रख दे, जब तक फुल ग़ुरूब नहीं होता उतने बजे तक पास बंदा देखता ही। अभी मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे हो परिंदों की, असल में सीन ये है कि मैंने पिछले व्लॉग में तुम लोग अगर मेरा पिछला व्लॉग देखो तो उसमें मैंने अंडे देखे थे परिंदे के, तो अब मैं उन अंडे के पास जाता हूँ तो वहाँ पर निकले मेरे बच्चे, तो जो उसके मम्मी पापा और चाचू वगैरह आंटियाँ हैं वो भाई उधर खड़ी हैं सामने, और वो मुझे आगे जाने भी नहीं दे रहे। एक तोड़ के ये जा रहा है, ये दोनों जा रहे हैं, और यहाँ पे इनके बच्चे हैं, और एक तो ये आ रहा है। अगर थोड़ा सा और आगे गया तो इन्होंने हो सकता है मेरे ऊपर अटैक ही ना कर दें। गाइस मैं आप पूरी कोशिश कर रहा हूँ जाने की, लेकिन कभी ये आ जाती है, दो वो बैठे हुए हैं, ये दो बैठे हुए हैं और एक ये घूम रही है, तो ये मुझे बिल्कुल नहीं जाने दे रही, लेकिन मैं काफ़ी करीब आ चुका लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही कहाँ पे पड़े हैं। फिर एक ये है और एक वो है। गाइस मैंने देख लिए, दो अंडे थे और दो में से एक बच्चा निकला और एक अंडा अभी तक वैसे ही पड़ा, शायद ख़राब हो गया। दूसरा बच्चा मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ पे, मैं देख रहा था लेकिन कैमरा इसलिए मुझे फ़ौरन बंद करना पड़ गया था क्योंकि वो 3-4 इकट्ठे ही आ गए थे ऊपर से, तो मुझे डर था कि ये ना मेरे सर पे शुरू हो जाए। ये देखें बार बार अटैक भी कर रहे हैं। चलें लेट्स सी चलते हैं फिर। असल में ये दोनों है, एक तो मुझसे बचा रहे हैं और दूसरा ये सामने कौवा बैठा है अंदर, ये कौवा भी इनके बच्चों को खा रहा है और कभी अंडे को उठा देते, इसलिए ये फिर गाइस आज फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है और हालात देख सकते हो, तो टेम्परेचर आज फिर काफ़ी होने वाला है। तो अभी टाइम हो गया 8:30 का और सूरज भी देख सकते हो ऊपर काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो अभी मैं यहाँ पे काम आज कर रहा हूँ, ज़मीनों पे आग लगा रहा हूँ, घरों में आग नहीं लगा रहा, ज़मीनों पर आग लगा रहा हूँ। ये इधर देख, मतलब ये इसलिए लगा रहा हूँ कि जो गंद बन जाता है ना साथ, फजूल सी चीज़ें उग जाती हैं तो उनको ख़त्म कर दिया जाए तो वो बेहतर होता है। इधर तो काफ़ी सारी जगह पे लगा दिए, तो उधर भी लगे हुए हैं वो पहले जल चुकी है, तो ये वाली सारी जगह रहती है। 2000 years later। और ये हैं जी हंजला साहब, मुझसे छोटे हैं लेकिन लगते बड़े हैं। एक ये कज़न है, ये बड़ा है मुझसे हमजा, और ये जो बीच में बैठा है ये भी बड़ा शादीशुदा है लेकिन लग छोटा सा। हाँ जी, तो हंजला साहब से कुछ मुलाकात करते हैं, गपशप करते हैं, तो मेरी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा हंजला साहब? सर क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? ये भाई आज आए हुए हैं अपने गाँव में ना, तो हम साहब जोड़ों पास आए हैं, इधर अपना छोटा सा गांव है, एक नहार है, ये दो पागल हैं हमारे कज़न हैं। तो हाँ, वो रो रहे हैं कि साड़ी वीडियो बनाओ,
हम इनके पास जा रहे हैं, हमें खतरा भी महसूस हो रहा है। और फुल शुगर लग रहा है, और ये दोनों नहा रहे हैं, वो आप जा रहे हैं, ये देखिए। फुल शुगर लग रहा है और फुल शुगर वाला माहौल है। और यार पता लग रहा है ये जो दो है ना, ये इसके ऊपर पानी फेंक रहे हैं आंधला भाई में, और आंधला भाई के पास पूरा गैलन है और वो पानी से भर रहे हैं और दोनों के ऊपर भरते दबा के रखना। गाइस जनों मेरे ऊपर पानी फेंक दिए, तो अब थोड़ा सा मैं भी नहाने जाता हूँ, तो कैमरा पकड़ाते हैं छोटे कजन को, तो कुछ इनके साथ शुगर लगाते हैं। ओए खलो मैं मत परेशान। ये जो डॉक्टर साहब है ना, ये इधर बैठ जाते हैं सामने जहाँ से पानी निकल रहा होता है, तो ये जो फुल भर देते हैं, तो चलते हैं कुछ शुगर लगाते हैं। डॉक्टर पास गए, थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ा हमजा कपड़े गंदे हो जाएंगे। टिकटॉक बना रहे हैं सारे मिलकर, मज़ा आ रहा है। असल में दिन में गर्मी काफ़ी थी, तो अभी पानी भी कुछ कम हो रहा है, क्योंकि सूर्य नीचे जा रहा है तो सोलर पैनल करंट काम करता जा रहा है, तो बड़ा मज़ा आया नहाने का। तो यहाँ पे अभी भी नहा रहे हैं, अभी का सीन मैं नहीं दिखा सकता। मतलब भाई साथ आ गए, बताएं भाई। सर ये इसलिए मैं निकल के आ गया, दो बड़े खतरनाक हैं, नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ। और मज़ा आया नहाने का? बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया नहाने का। तो फाइनली यार कल गांव से वापस आ चुका था मैं, और यार बहुत थका हुआ था, तो इसकी वजह से फिर मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, तो मैं फिर शाम को सो गया था। तो अभी यार आज कल वाले व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि एंड मैंने कल नहीं किया था, तो वहाँ से फिर मुझे जल्दी निकलना था, तो मेरे पास कोई सामान था, तो मैंने कहा शाम होने से पहले घर पहुँच गया, कल मंजिला घर पहुँच चुका था। और आज वो वाला ये वाला व्लॉग एंड करते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये मुझे समझ नहीं आ रही, तुम लोग करते क्या रहते हो मोबाइल पे, चैनल तुम लोग मेरे नहीं सब्सक्राइब करते और मोबाइल पे करते क्या रहते हो, मुझे गड़बड़ लग रही है। चलो मिलते हैं यार इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।